नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं, जहां 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आ सकते हैं पीएम मोदी। बस्तर में चुनावी सभा को संबोधित कर सकते हैं। एक दो दिनों में पीएम मोदी का दौरा भी तय हो सकता है और संगठन ने कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना शुरू कर दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा हो सकता है। आपको बता दें कि 8 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आ सकते हैं पीएम मोदी और बस्तर में चुनावी शंखनाद करते हुए नजर आ सकते हैं। तो रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी गई है संगठन की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस्तर दौरा हो सकता है, इसके लिए अभी तक क्या तैयारियां हैं और क्या माना जा रहा है कि ये जो दौरा होगा वो कितना प्रभावशाली हो सकता है? देखिए, पूरी संभावना है कि छत्तीसगढ़ में पहला जो दौरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव के लिहाज से, लोकसभा चुनाव के लिहाज से, वो बस्तर में होगा और इसकी कार्ययोजना बनानी, रूपरेखा बनानी शुरू भी हो चुकी है। 8 अप्रैल वो तारीख हो सकती है। अब तक जो प्रस्तावित तारीख है वो 8 अप्रैल है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर में, हालांकि जगह अभी तय किया जा रहा है कि बस्तर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत तो कौन सी जगह होगी, क्या वो सुकमा होगा, क्या वो दंतेवाड़ा होगा, जगदलपुर होगा, क्योंकि तमाम प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल और सुरक्षा के हिसाब से तमाम चीजें देखनी है, या इसके अलावा दूसरी जगह होगा, ये तय किया जा रहा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा एक दो दिन में अगले तय होने की पूरी संभावना है। बस्तर से छत्तीसगढ़ में चुनावों में वो मोदी की गारंटी और अपनी बातों को, भारतीय जनता पार्टी की बातों को रखते हुए नजर आने वाले हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा सीट और कोरबा लोकसभा सीट अभी कांग्रेस पार्टी के पाले में है कृति, और इन दोनों सीटों को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, और ये दोनों सीटें ही नहीं बल्कि 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का लक्ष्य बनाया है। लेकिन उसे जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें लोगों तक पहुंची, और जब सीधे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो लोगों पे प्रभाव पड़ता है, और ये 2023 विधानसभा चुनाव में साफ देखा गया है। तस्वीरें हमने साफ विधानसभा चुनाव के दौरान देखी थी और इसी वजह से एक बड़ा फायदा बीजेपी को देखने को मिला भी था। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका सत्यप्रकाश।